नमस्ते दोस्तों। तो जो हैदराबाद में रेप केस हुआ है, प्रियंका रेड्डी हमारी एक बहन जिसका रेप होके मर्डर हुआ है, तो ये शर्मनाक बात होती कैसे है? हम अभी सब मैं देख रहा हूँ, सब जगह कैंडल लाइट मार्च हो रहा है, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जस्टिस दे दो उसको, उस बलात्कार के ऊपर एक लॉ बनाइए। तो मुझे बहुत सारे बंदों ने मैसेज किया कि सर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आप कुछ बात कर दीजिए इस पर करके। तो मैं कंफ्यूज था यार कि क्या बात करूं, इतना दर्दनाक जो काम करते हैं ये इंसान नहीं है यार, ये सब शैतान के औलाद है। क्योंकि आप मैं बहुत लोग मुझे बोलते हैं, बहुत लोग क्योंकि वीडियोस मैंने देखा कि लॉ होना चाहिए, लॉ होना चाहिए, हार्ड मतलब एक स्ट्रांग लॉ लॉ होना चाहिए उनके अगेंस्ट, तो बलात्कार कम हो जाएगा, ऐसा लॉ बनना चाहिए, वो डरने चाहिए लॉ से। तो मैं उस पर भी सोचा, लेकिन मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि लॉ एक हार्ड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जैसा नहीं, उनके फटनी चाहिए ऐसा करने के बाद में ये हमको शिक्षा मिलेगी करके। क्योंकि एक बात बताना चाहूँगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर लेफ्ट हैंड और राइट लेग पूरा कट कर देते थे अगर आपने बलात्कार किया है तो, इतना स्ट्रिक्ट लॉ, आगे की जिंदगी आपको जिंदा छोड़ते थे विद वन हैंड एंड वन लेग रिमेनिंग। तो फिर भी उस समय बलात्कार होते थे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि लॉ स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट लाइक दिस, जो मैंने बोला छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पर जैसे लॉ था ऐसे लॉ अभी बनने चाहिए, जिससे सुन के इनकी फटनी चाहिए। लेकिन ये जो लोग अभी कल परसों जो पकड़े गए हैं उस मैटर में, देखने के लगता है कि यार ये अनएजुकेटेड है, इनको कुछ पता ही नहीं है कि ह्यूमैनिटी क्या है, हम अब रिस्पेक्ट कैसे करें लड़कियों को, गॉडस है हमारे इंडिया के। तो मैं ऐसे भी सोचा कि हाँ बाबा चलो ये अनएजुकेटेड है, तो हमारा एजुकेशन अगर घर घर पहुँचे, सब लोगों के पास पहुँचे, हम एजुकेटेड करें जो भी हमारे लड़के हैं उनको, तो ये बात कम हो सकती है। लेकिन आपने ये केस छोड़ के बहुत सारे केसेस देखे रहेंगे कि एजुकेटेड लोगों ने भी बहुत सारे बलात्कार किए, स्कूल्स में हुए हैं, एक्स वाई जो बंदे हैं मिलते हैं हमको ऐसे करने वाले। तो ये एक मानसिक स्थिति है इन गधों की, इन लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते, इनके पैदाइशी इनके अंग में रहता है, एक शैतान बैठा रहता है, इनको आप एजुकेटेड कीजिए, इनको आप स्ट्रिक्ट लॉ बनाइए। हाँ इससे 30% कम होगा अगर हमने एजुकेशन सबके दिया, हमने सबको बोला कि क्या है कैसा है, वी शुड रिस्पेक्ट विमेन एंड ऑल, अगर हमने एक लॉ स्ट्रिक्ट बनाया, फिर भी ये जो बंदे हैं ये 50% बचे रहेंगे। तो मैं बेसिकली क्या करना सोच रहा था, अभी क्या बताऊं, कुछ तो कुछ देना पड़ेगा हमारे महिलाओं को कि उनको समझ में आए कि यू शुड फॉलो लाइक दिस। तो मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है, मैंने बहुत सोचा है इस पर। तो पहली बात, वुमेन शुड फॉलो सम थिंग्स दैट आर कंपल्सरी। पहली बात, वुमेन शुड टेक केयर ऑफ देयर सेफ्टी। सेफ्टी मतलब मैं बहुत लड़कियों को, मतलब मेरी जो भी फ्रेंड सर्कल में उनको मैं बोलता हूँ कि कैरी समथिंग विथ यू, बी सेफ। नहीं मैं मेरे दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, नहीं मैं इतने बार गई हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ बोलती कि नहीं वो मेरा दोस्त है, वो मेरे दोस्त का दोस्त है, मेरे को अच्छे से पहचानता है। अरे नहीं होगा यार कुछ भी, क्यों टेंशन ले रहे हो, अरे ऐसा नहीं होता है, हम ऐसे ही चलते हैं। ये जो शैतान की औलाद है वो 1,000 में दो तीन बंदे है जो तुम जैसे लड़कियाँ सोचते हैं, इसलिए वो घूमते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो प्लीज़ 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 मैं बोलता हूँ कि कैरी समथिंग विथ यू, कैरी पेपर स्प्रे, जो इलेक्ट्रिक गन्स मिलते हैं आप ऑनलाइन जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक गन्स जो मिलते हैं शौक देने के लिए वो यूज़ कर दीजिए, पेपर स्प्रे यूज़ कीजिए, इफ़ नॉट कैरी अ स्मॉल पॉकेट नाइफ कंपलसरी। आप लिपस्टिक कैरी कर सकते हैं, आप कोम वगैरह आपका मेकअप का सामान कैरी सकते हैं, प्लीज़ डू कैरी समथिंग। ये अभी ये पॉकेट नाइफ है, मैं लड़कों को नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि लड़के गधे रहते हैं, अगर फीमेल यू कैन कैरी अ स्मॉल पॉकेट नाइफ, पेपर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों मैं बोलता हूँ, नहीं मुझे डर लगता है, मैं कैसे चला सकती हूँ इसको, मुझे बहुत डर लगता है, आई कैन नॉट हिट एनी बडी। मैं आपको किसी को मारने की नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके सामने दो बंदे आप पर हाथ डालने के लिए आ रहे हैं और आप इसके साथ अगर उनके सामने रुकी हो, तो पहला बंदा आपके पास आने के पहले 10 बार सोचेगा
याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको किसी को मारने नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर अ सेफ्टी बोल रहा हूँ। पेपर स्प्रे आप दूर से छिड़क सकते हैं उनके आँख में, वो आपको इतना टाइम देगा, आपको अगर 5 मिनट भी मिल गए उस समय में आप दौड़ के सेफ जगह पहुंच सकते हो। सेफ जगह मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी एरिया में हो, दूर दूर तक आपको कोई मकान नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मैं 1000 लोगों में 5% लोग जो शैतान है मैं उनके बारे में कर रहा हूँ। 95% जो है हमारे जैसे दिमाग वाले बंदे हैं जो आपके लिए जान भी दे सकते हैं, तो अगर आप उनके पास पहुँच गए तो बाकी का वो संभाल लेंगे। तो बहुत सारे रेप केसेस होते हैं, 50% के ऊपर दवाएं भेज जाते हैं, मिट्टी डाल दी जाती है घर वालों के प्रेशर से, नहीं तो समाज के डर से। तो प्लीज़ जो भी NGOs आगे आके कैंडल लाइट मार्च निकाल रहे हैं, XYZ निकाल रहे हैं, तो ये जो मैंने आपको बोला ये प्रमोट कीजिए, उन लड़कियों को समझाइए, उनके पास कैरी करने बोलिए, प्लीज़ ये दिमाग में डाल लीजिए कि आपकी सेफ्टी आपका प्रायोरिटी, पहली बात आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। लॉ एजुकेशन ये हो जाएगा, लेकिन खुद की सेफ्टी के लिए ये करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, आजकल आप YouTube पर वीडियो देखते हैं कि ये प्रैंक वो प्रैंक, तो बेसिकली लड़कियां बहुत ही फ्रेंडली हो चुकी है। मैं नहीं बोलता हूँ कि फ्रेंडली मत रहो, लेकिन दिमाग से होशियार भी रहो, आप भापना चाहिए। ये जो बंदे रहते हैं आपको बात करके, चुपड़ी चुपड़ी बातें करके आपको फंसा सकते हैं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट करना उस पर ही ट्रस्ट करना। ट्रस्ट शुड बी वेरी 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 हार्ड, आप किस पर भी इजीली ट्रस्ट मत करते रहिए। जो भी है बंदा, हाँ हाय हेलो इज ओके, अगर कोई मिल रहा है तो आपका काम आप खुद कर सकते हैं, आप फ़ोन लगाएं अपने जो पर्सनल आपके दोस्त है, भाई है, घर में पिताजी है, उनको फ़ोन लगाएं, उनको आने बोलिए ना, XYZ की मदद लीजिए। XYZ की मदद लेने से पहले ये सब आपके पास रहना चाहिए। तो लॉ तो बनेगा ही बनेगा, कंपलसरी, हम हमारे सरकार पर बहुत यकीन रखते हैं। अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन उन्होंने लिया हुआ है, तो ये होगा। एजुकेशन भी थोड़े सालों से अपने आप जाएगा उनके दिमाग तक, हो सके उतने लोग एजुकेटेड होंगे। लेकिन मैंने जैसे बोला, एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं ये सब, तो प्लीज़ वुमेन बी स्ट्रांग। आप वीर कित्तूर रानी चेन्नम्मा के वंशज हो, वीर अपनी झांसी की रानी के वंशज हो, तो ऐसा नहीं है कि वुमेन कैनॉट फाइट देयर ओन बैटल, यू हैव टू स्टैंड फॉर यू फॉर योर ओन सेल्फ। प्लीज़ ऐसे करते रहिए, कुछ ना कुछ कैरी करते रहिए। जय हिंद, जय शिवराय, जय हिंदू राष्ट्र।